कॉफी विद करण में साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने डेब्यू किया। शो में एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने अजय देवरकोंडा को न्यूड देखने की इच्छा जताई। अनन्या ने कहा कि उन्हें विजय देवरकोंडा को पूरी तरह न्यूड देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। विजय देवरकोंडा ने फिल्म लाइगर के पोस्टर के लिए न्यूड पोज दिया है। सारा अली खान अक्सर इंडियन लुक में स्पॉट होती आ रही हैं। अब हाल ही में एक्ट्रेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सारा सफेद सूट व गुलाबी दुपट्टा मैचिंग जूती हाथों में चूड़ियां और कानों में झुमके पहने हुए देसी अंदाज में एयरपोर्ट पर दिखाई दी। सारा के इस इंडियन लुक की फैंस खूब तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, क्या खूब लगती हो, तो दूसरे ने लिखा माशाल्लाह। अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म रक्षाबंधन के प्रमोशन में बिजी चल रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान एक्टर ने कहा कि उन्होंने कभी काम को ना नहीं बोला, चाहे वो कोई फिल्म हो या इवेंट या फिर एड हो। साथ ही उन्होंने कहा कि वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उस पैसे को वो समाज के लिए अच्छे कामों में यूज करना चाहते हैं। इन दिनों फिल्मी गलियारों से दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ के ब्रेकअप की खबरें आ रही हैं। दोनों ने कभी अपने रिश्ते पर मुहर तो नहीं लगाई, लेकिन दोनों का लव रिलेशन हमेशा से ही चर्चा में रहा है। दोनों पिछले 6 सालों से साथ थे। ऐसे में ब्रेकअप की खबरें लोगों को चौंका रही हैं। इनके अलावा बिग बॉस ओटीटी में बनी शमिता शेट्टी और राकेश बापट की भी जोड़ी टूट गई है। शमिता ने सोशल मीडिया के जरिए अपने ब्रेकअप की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है। संजय दत्त का 63वां बर्थडे है। संजय दत्त की पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा चर्चा में रही है। संजय का जन्म सुपरस्टार सुनील दत्त और नरगिस के घर 29 जुलाई 1959 को हुआ था। उन्होंने फिल्म रॉकी से एक्टिंग में डेब्यू किया था। संजय ने अपनी फिल्म करियर में 187 फिल्मों में काम किया है। संजय की जिंदगी उथल पुथल भरी रही थी। 1980 के दशक में चरस, गांजा और ड्रग्स की लत के कारण वो सुर्खियों में रहे और उसके बाद 1993 मुंबई बम धमाकों में अंडरवर्ल्ड से भी उनका नाम जुड़ा है।